السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد. مشاهدين الكرام، نکاح اور کامیاب شادی کے اس شرعی کورس کے 90 کلاس میں علم حاصل کرنے کی خاطر حاضری دینے والے قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور علم پسند، دین پسند پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی کلاس کا عنوان ہے شادی کا ولیمہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین، اس کو نیچے کرو، آپ تمام حضرات کو، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ہمیشہ ہمیش حلال، جائز اور خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے آپ سب کو، ہم سب کو، آپ سب کے تمام اعزاء اور اقارب کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. شادی کا ولیمہ، یقیناً لفظ ولیمہ سنتے ہی ہر ایک کو کسی قدر خوشی اور شادمانی کا احساس ہوتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا شادی کے کگار پر ہو، کیونکہ ہر شادی شدہ نے اپنا ولیمہ کیا ہوگا اور جو شادی کے کگار پر ہیں وہ تو ولیمے کی تیاریوں میں بہت پہلے سے منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور فریاد ہے، گریہ و زاری ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت اور مہربانی سے ہمارے تمام مسلمان بچوں کو نیک بیوی عطا کرے اور سنت رسول ہاشمی کے مطابق نکاح ولیمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غیر شادی شدہ بیواؤں کو، مطلقہ کو، کنواری بچیوں کو نیک شوہر عطا فرمائے، آمین. آئیے ولیمہ کا معنی ہم سب سے پہلے جان لیں. اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے نا، ولیمہ کا لغوی طور پر عربی زبان کے حساب سے ولیمہ کا معنی ہوتا اکٹھا ہونا، اجتماع. کیونکہ شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی اکٹھا ہوتے ہیں اور شریعت کے اندر، اصطلاح کے اندر ولیمہ اس خاص طور پر اس کھانے کو کہا جاتا ہے، بطور خاص اس کھانے کو کہا جاتا ہے، اس کھانے کا نام ہے جو نکاح کے بعد کھلایا جاتا ہے.
जिसको आम तौर पर कहते हैं शादी का खाना, वैसे कुछ लोगों ने वलीमा उस खाने को भी कहा है जो किसी भी खुशी मयसर होने के बाद खिलाया जाता है। लेकिन आम तौर पर लफ्ज़ वलीमा ये मशहूर है शादी के बाद, निकाह के बाद, अक़्दे मसनून के बाद जो खाना खिलाया जाता है उसे वलीमा कहा जाता है। अब आइए वलीमा का शरई हुक्म हम सुने कि क्या वलीमा सुन्नत है या वाजिब है, फर्ज है, वलीमा का हुक्म शरीयत के अंदर क्या है। वलीमा के हुक्म के सिलसिले में उलमाए किराम की दो राय हैं, दो राय हैं वलीमा के हुक्म के सिलसिले में। जरा गौर से सुनिएगा दर्श, वलीमा के हुक्म के सिलसिले में दो कौल पाए जाते हैं। जुमहूर फुकहा जैसे हनफिया, शाफिया और हनाबिला का ये कौल है कि वलीमा ये ऐसी सुन्नत है जिस पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर, जबानी तौर पर जोर दिया है, जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। ये जुम्हूर फुकहा की राय है और अक्सर अहले इल्म का रुझान और ख्याल यही है कि वलीमा सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसी सुन्नत है जिस पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, जोर दिया है। और इस कौल की दलील मुख्तलिफ अंदाज से फुकहाए किराम ने पेश किया है। चुनाचे वो रिवायत जिसके अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, औलिम वलौ बिशअतिन, कि तुम वलीमा करो चाहे एक ही बकरी ज़बह करो। और इसी तो कहते हैं कि जिस तरह वलीमा में बकरी ज़बह करना फर्ज और वाजिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ते सफिया की शादी की थी, कुछ जौ का, सत्तू का पनीर वगैरह बना करके। अगर वलीमा वाजिब होता तो बकरी भी ज़बह करना वाजिब होता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा औलिम वलौ बिशअतिन, चुनाचे इसको इस्तेहबाब पर महमूल किया है। तो आप ये समझ लें कि वलीमा के सिलसिले में दो कौल पाया जाता। पहला कौल है कि वलीमा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसी सुन्नत है जिस पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, जोर दिया है। दूसरा कौल जो ज्यादा राजह मालूम होता है, ज्यादा सही मालूम होता है, कि निकाह का वलीमा, शादी का वलीमा ये वाजिब है, यही कौल है मालिकिया का और शाफिया का भी, यही एक कौल है, एक कौल है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से यही रिवायत है, उनकी भी एक राय यही है। ज़ाहिरिया का यही मजहब है, सनानी का भी मजहब है, अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी बात की ताईद की है। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की भी यही राय है कि वलीमा, शादी का वलीमा ये वाजिब और फर्ज है। अल्लामा इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि वलीमा वाजिब है उनकी राय ज्यादा कवी और मजबूत तर है। इसीलिए अक्सर उलमा अहले इल्म ने वलीमा को वाजिब करार दिया है, वलीमा को वाजिब करार दिया है। ये अलग बात है कि कुछ राय, कुछ कौल उलमा और फुकहा की ये है कि वलीमा सुन्नत मुअक्कदा है।
जिन लोगों ने वलीमा को वाजिब करार दिया है उनके पास चंद दलीलें हैं जो मजबूत तरीन दलीलें हैं। उन्हीं दलीलों में से वलीमा के वाजिब कहने वालों की दलीलों में से एक मजबूत दलील हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत है। वो रिवायत यह है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उनके ऊपर उनके कपड़े पर जर्दी का असर था, जर्द कुछ धब्बा पड़ा हुआ था। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये तुम्हारे कपड़े पर जर्दी का असर क्या है, क्या किस वजह से? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम, उन्होंने एक अंसारी औरत से शादी किया है, उन्होंने एक अंसारी औरत से शादी कर ली है। या एक नुक्ता जानिए कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शादी कर ली, अल्लाह के रसूल को बारात में बुलाया नहीं बल्कि खबर भी नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा आपने कितनी महर उनको दी? तो कहा अल्लाह के रसूल अकरम, खजूर के गुठली के मकदार सोना मैंने दिया है, बस महर में यही दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा औलिम वलौ बिशअतिन, तुम वलीमा करो और वलीमा में चाहे एक ही बकरी ज़बह करो, वलीमा करो हुक्म दिया और वलीमा में चाहे एक ही बकरी ज़बह करो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत हदीस नंबर 5103 पर, और ये अल्फाज जिनका मैंने तर्जमा किया है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1427। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, औलिम वलीमा करो वला बिशातिन, चाहे वलीमा में एक बकरी ही ज़बह करो। जिन लोगों ने कहा है कि वलीमा करना वाजिब है, उन्होंने कहा इसकी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा करने का आर्डर दिया, हुक्म दिया, और जाहिरी तौर पर जिसको अरबी हुक्म को अरबी में अम्र कहते हैं, अमर वजूब वाज किसी चीज के वाजिब होने पर दलालत करता है, इल्ला एक ही कोई वहां वाजिब होने से फेर देने वाली चीज। इमाम सनानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने नैनुल अवतार के अंदर यही बात लिखी है, नैनुल अवतार जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 226। दूसरी रिवायत की वलीमा वाजिब है, इसकी दलील दूसरी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां की हैं सारी शादियों में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे खुशहाली की हालत में रहे हो या तंगदस्ती की हालत में रहे हो, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी शादियों का वलीमा किया है, चाहे खुशहाली में आप रहे चाहे तंगदस्ती में रहे, यहां तक कि सफर की हालत में भी, जबकि फर्ज नमाज वहां पर कसर हो जाती है, दो नमाजों को बैक वक्त पढ़ना जमा करना जायज होता है, सफर की हालत में भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ते सफिया का वलीमा किया था, जिसमें सत्तू और खजूर वलीमे में खिलाया था, सत्तू और खजूर वलीमे में खिलाया था। तो जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबानी तौर पर कहा वलीमा करो चाहे एक बकरी ही ज़बह करो, और अमर वजूब पे दलालत करता है, खुद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी शादियों का वलीमा किया है चाहे जिस हालत में आप रहे हो, यहां तक के सफर की हालत में हस्ते सफिया से जब निकाह हुआ आपका तो सफर की हालत में भी आपने वलीमा किया है, तो इससे पता चलता है कि वलीमा वाजिब है। तीसरी दलील कि वलीमा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में निकाह के शादी के ऐलान करने का हुक्म दिया है, ताकि चुपके चुपके जो बनावटी शादी करके बदकारियां करते उसमें और हलाल शादी में वाजे हो जाए, जो चुपके वाली शादी होती उसको ऐलान नहीं किया जाता, आलिनुन निकाह निकाह का ऐलान करो। तो कहते हैं कि तीसरी दलील यह है कि वलीमा एक तरह से शादी का ऐलान है,
निकाह का ऐलान है, जिससे जायज निकाह और हराम जरिए से जो शादियां होती चुपके चुपके उसमें फर्क हो जाता है। एक दलील ये भी वाजिब कहने वालों की, वाजिब वलीमा के वाजिब कहने वालों की चौथी दलील ये है, जरा गौर से सुनिएगा बात आगे आ रही है, कि हदीसों से पता चलता है कि वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है, वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है, और जब वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है तो वलीमा का तो और ज्यादा वलीमा करना ये तो और ज्यादा वाजिब हो जाएगा। जब वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है तो वलीमा करना तो ये और ज्यादा वाजिब हो जाएगा, क्योंकि जब तक सबब नहीं पाया जाएगा, वलीमा सबब है, वलीमा के दावत कबूल करना ये मुसब्बब है, तो जब तक सबब नहीं पाया जाएगा कैसे वो चीज पाई जाएगी, और जब सबब वाजिब है, ये दावत कबूल करना वाजिब है, तो वलीमा भी करना ये वाजिब है। और अल्लामा इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों कौल को जिक्र करने के बाद कहा कि जो लोग वाजिब कहते हैं उनकी दलील ज्यादा मजबूत और ज्यादा कवी है, चुनाचे वलीमा करना चाहिए। वलीमा, शादी का वलीमा, निकाह के बाद निकाह का वलीमा करना चाहिए। तो ये हुआ वलीमे का शरई हुक्म। वलीमे से लगा हुआ एक अहम तरीन मसला, वलीमे का वक्त क्या है, यानी वलीमा कब किया जाए, निकाह से दो तीन दिन पहले, या निकाह के बाद फौरन, या निकाह के बाद जब मियां बीवी इकट्ठा हो जाए तब। क्या हम निकाह से पहले, अख्दे मसनून से दो तीन दिन पहले वलीमा कर सकते हैं, या निकाह होने के बाद फौरन बिना मियां बीवी के इकट्ठा हुए वलीमा हम कर सकते हैं, या वलीमा निकाह हो जाए, लड़के लड़की खलवते सहीहा में हो जाए, तन्हाई में हो जाए, तब कब करना बेहतर है। तो वलीमा के वक्त के बारे में मुस्तहब यही है, अफजल यही है कि जब मियां बीवी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वलीमा शादी के मौके पर एक खुशी का इजहार और एक शादी का ऐलान है, और लड़के और लड़की दूल्हा और दुल्हन को मुकम्मल खुशी उस वक्त हासिल होती है, निकाह होता है, खुशी हासिल होती है, काफी खुशी हासिल होती है। आप लोगों का निकाह हुआ होगा, आप लोग जानते हैं कि जैसे मौलाना साहब ने ईजाब और कबूल किया होगा, आपके जहन और दिमाग में अपनी बीवी के सिलसिले में कितनी उल्फत, शिफ्तगी, मोहब्बत और प्यार बैठ गया होगा, आप लोगों को अंदाजा है। लेकिन मुकम्मल खुशी दूल्हा और दुल्हन को ये हासिल होती है आपसी मुलाकात के बाद, जिमा के बाद, और इसीलिए मुस्तहब अफजल और ज्यादा बेहतर है कि अफजल बता रहा हूं मैं, अफजल और मुस्तहब यह है कि लड़के दूल्हा और दुल्हन के आपसी मुलाकात के बाद वलीमा करना मुस्तहब है। यही राय है, मालिकिया का भी ये मजहब है, शाफईया का भी ये मजहब है, और अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्ला अलैह ने भी यही बात फरमाई है कि जब मुकम्मल खुशी हो जाए तब वलीमा करना ज्यादा अफजल और बेहतर है। जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर आए, और जब खैबर के किले फतह कर लिए गए और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिइज़्निल्लाह अल्लाह की इजाजत से हज़रत सफिया बिनत हुयै बिन अख्तब पसंद आ गई, तो
तो अल्लाह के रसूल क्योंकि उनके शौहर कत्ल कर दिए गए थे, तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इज़्निल्लाह अल्लाह की इजाज़त से अपने लिए मुंतखब कर लिया। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर के आए यहाँ तक कि सद्दुर रौहा पहुँचे, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्द के साथ मतलब उनसे हम बिस्तरी किया, फिर हैस बनाया। हैस कहते हैं छोटे चमड़े में जिसपे पनीर और गोश्त और आटा मिला करके खाना होता है, उसको बनाया। फिर अल्लाह के रसूल अकरम सबने अपने आसपास लोगों को बुलाया कि आओ और खाना खाओ। तो ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम का हस्ते सफिया की शादी के मौके पर वलीमा था। फिर कहते साहबी कि हम लोग मदीना की तरफ निकले तो हमने रसूल अकरम सल्लम को देखा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम बैठ जाते हैं हस्ते और उनके घुटने पर पैर रख करके हस्ते सफिया सवारी पर सवार होते हैं। ये रिवायत सही। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने सफर की हालत में हमबिसरी करने के बाद हस्ते सफिया का वलीमा किया था। और हस्ते अनस बिन मालिक की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम दूल्हा की हालत में रात बिताए हाँ ज़ैनब बिन्त जहश की शादी के मौके पर, फिर उनसे मदीना में अल्लाह के रसूल ने हम बिस्तरी करने के बाद वलीमा किया। तो इन दोनों रिवायतों से पता चलता है कि वलीमा अफजल है, बेहतर है हम बिस्तरी के बाद, जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम का अमल मुबारक मुस्तहब होने पर दलालत करता है। कुछ लोगों ने कहा है, और ये भी जान लीजिए कि वलीमा करना निकाह के बाद फौरन भी जायज है। निकाह से पहले तो है ही नहीं, निकाह के बाद भी वलीमा करना जायज है। निकाह के फौरन बाद हम बिस्तरी से पहले वलीमा करना जायज है, दुरुस्त है, हलाल है, क्योंकि निकाह हो जाने ही से दूल्हा और दुल्हन को गुना कदरे खुशी मसर्रत और शादमानी मयसर हो जाती है, और अफजल है हम बिस्तरी करने के बाद। चुनाचे अगर कोई शख्स निकाह के बाद फौरन वलीमा कर दे हालात और जरूफ के एतबार से, तो ऐसा करना दुरुस्त है, जायज है, हलाल है, मगर अफजल है मियां बीवी के इकट्ठा होने के बाद। चौथा मसला कि कम से कम वलीमे में क्या पकाया जाए, कम से कम वलीमे में क्या पकाया जाए। तो इस सिलसिले में अर्ज है कि वलीमे में, वलीमे के खाने में ये शौहर की हालत पर महमूल है। शौहर की माली इंतजामी वसाइल के एतबार से जैसी ताकत हो वैसे ही शौहर करेगा। शौहर की ताकत पर यह मबनी है, शौहर की हालत पर यह मबनी है, क्योंकि वलीमा शौहर ही को करना है, लड़की को वलीमा नहीं करना है, और ना लड़की के बाप को जो बारातियों की शक्ल में जबरदस्ती बोझ बनते हैं। वलीमा करना किसकी जिम्मेदारी, किसके ऊपर वाजिब है, बीवी पर या शौहर पर? शौहर पर। चुनाचे वलीमा के अंदर कोई चीज मुतायन और फिक्स नहीं है कि यही पकाया जाए, यही बनवाया जाए, इतने क्वालिटी का नहीं, ये शौहर की हालत पर छोड़ दिया जाएगा। और वलीमे के अंदर गोश्त का होना भी शर्त नहीं है कि बकरे का गोश्त हो, मछलियां हो, चिकन टिक्का हो, फ्राई हो, ये भी शर्त नहीं है। जुमहूर फुकहा मालिकिया शाफिया हनाबिला का यही कौल है, और इसी पर इजमा है कि वलीमा के लिए कोई हद मुतायन नहीं है कि क्या पकाया जाए, कितना पकाया जाए, किस क्वालिटी का पकाया जाए, ये कोई हद मुतायन नहीं है वलीमा के
खाने के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया है सत्तू और खजूर से। सफिया बिनते शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि औलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बाद निसाही बिमुद्दैन मिन शईर। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बास बीवियों की शादी के मौके पर आपने अपना वलीमा दो मुद जौ के जरिए किया, किलो भर या सवा किलो, दो मुद जौ के जरिए किया। हस्ते अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हस्ते रसूल अकरम सल्लम का वलीमा है जो बुखारी की रिवायत है। हस्ते अनस बिन मालिक कहते हैं, जैसा कि बताया गया कि चमड़े के बर्तन में कुछ बनाया अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसके जरिए से लोगों को वलीमा कराया हस्ते सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शादी के मौके पर। तो इन दोनों हदीसों से ये बात मालूम होती है, जो वलीमा करने के वाजिब होने की दलील मैंने दी थी, कि दोनों हदीसों के अंदर एक मामूली मकदार पर भी वलीमा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है। एक मामूली खाने पर खजूर और आटा मिला करके पका दिया, पनीर और खजूर और आटा मिला करके या थोड़ा सा गोश्त मिला करके पका दिया। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल ने खुद सफर में या वैसे भी बाज़ औरतों का बड़े मामूली अंदाज में वलीमा किया है। इससे पता चलता है कि बकरा ज़बह करना ये फर्ज और वाजिब नहीं है। जैसा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम शादी करो चाहे एक बकरी ही ज़बह करो, तो यह बकरी तनकीर के लिए न करें, चाहे थोड़ी सी बकरी, थोड़ा सा बकरी का गोश्त ही क्यों ना हो, अगर कुशादगी है तो, अगर ताकत है तो। तो इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल का बोला बिशअतिन, मामूली गोश्त भी हो तब भी वलीमा। तो यह गोया ज़बा करना यह शर्त और वाजिब नहीं है। वलीमा के अंदर शौहर तवादु के साथ, खाकसारी के साथ, एक वाजिब की अदायगी करते हुए, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करते हुए वलीमा अपनी ताकत के मुताबिक जैसा चाहे करे। लेकिन आज क्या होता है, लोग कहते हैं कि अगर हमने वलीमा में दो चार किस्म का खाना नहीं बनाया तो लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, जहां बात यह आ जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो वो उसमें शिर्क हो गया, रियाकारी था। आप लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि एक इबादत के, वलीमा करना एक इबादत है, एक इबादत के तौर पर आप, अल्लाह ताला आपके हालात को जानता है, आपको जिस अंदाज की ताकत है उस अंदाज से आप वलीमा कीजिए, चाहे कोई पसंद करे, तारीफ करे या ना, तारीफ करने के लिए नहीं, लोगों को पसंद करने के लिए। साथ ही साथ ये भी ख्याल रहे कि ताकत है तो सुन्नत रसूल के मुताबिक खुशू और खुजू, तवाजो और इंकसारी के साथ, फयाजी शरीयत के मुताबिक फयाजी और सखावत करते हुए वलीमे को ठीक ठाक करें, अगर ताकत है तो। लेकिन अगर ताकत नहीं तो क्या जाएगा, सूदी बैंक से कर्जा लाने, चोरी करने, डकैती करने, ऐसा कर्ज लेने जिसके अदायगी की उससे ताकत नहीं है। शरीयत के अंदर वलीमा वाजिब है, लेकिन वलीमे के किरदार ये वाजिब और फर्ज नहीं है। वक्त नहीं बनना, मैं बतलाता बहुत सारे मसाइल में सरसरी तौर पर आपके सामने चल रहा हूं। वलीमे के ताल्लुक से एक और अहम तरीन बात आप जान लीजिए। सवाल है कि निकाह के वलीमे की दावत कबूल करने का हुक्म क्या है। निकाह जिसको हम लोग वलीमा कहते हैं, इसकी दावत कबूल करने का हुक्म क्या है। याद रहे सामईन कराम,
अल्लाह ताला हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए, निकाह के वलीमे की दावत कबूल करना ये वाजिब है, फर्ज है। अगर वलीमे के खाने पर हाजिरी और खाने की दावत मिले तो उसे कबूल करना ये वाजिब है। यही जुम्हूर फुकहा की राय है, जैसे मालिकिया और शाफिया के दो कौल में से सबसे सही कौल, और हनफिया और हनाबिला के यहाँ, और बाज हनफिया का और जाहिरिया का, और अक्सर उलमाए कराम ने यही फतवा दिया है कि अगर निकाह के वलीमे की दावत आए तो उसे कबूल करना वाजिब है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इस पर इजमा का दावा किया। तो क्या मालूम हुआ, वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है। दलील क्या है, हस्ते नाफ़े जो हस्ते अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के गुलाम थे, वो कहते हैं कि हमने अल्लाह के हमने अब्दुल्ला इब्ने उमर से फरमाते हुए सुना, वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अजीब हादी दावा इदा दुई तुम लहा, जब तुम्हें वलीमे की दावत दी जाए तो तुम इस दावत को कबूल करो, इस दावत को कबूल करो। अगर तुम्हें कोई वलीमे की दावत दे, शादी के वलीमे की, तो इस दावत को तुम कबूल करो। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादी में उस दावत के खाने के लिए तशरीफ लाते, बल्कि उनकी तो आदत ये थी कि चाहे वलीमे की दावत हो या गैर वलीमे की दावत हो, शादी की दावत हो या गैर शादी की दावत हो, वो हर दावत को कबूल करते थे, यहाँ तक कि वो रोजे की हालत में होते थे, रोजे की हालत में भी वो दावत को कबूल कर लेते थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर शादी के दावत में आते थे और गैर शादी की दावत में भी आते थे, चाहे वो रोजे से हो या बिना रोजे के। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5179, सही मुस्लिम 1429 नंबर की रिवायत। वलीमा का बाब बुखारी शरीफ में और सही मुस्लिम शरीफ में आप पढ़िए। तो ये पहली दलील है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब इस दावत में कोई शिरकत की दावत दे वलीमे की तो तुम इसे कबूल करो, हुक्म है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरी दलील हस्ते अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब दाई दावत देने वाले की दावत को, हदीस का टुकड़ा मैंने पेश किया है, कैदी को आजाद करो और दावत देने वाले की दावत को कबूल करो। ये बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 7173। हस्ते अबू हुरैरा की तीसरी दलील दावत है वलीमा कबूल करने के वजूब की। हस्ते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दुईया अहदुकुम फलयुजिब, जब तुम में से किसी को दावत दी जाए तो वो जरूर कबूल करें, फ़इन काना साइमन फलयुसल्ली, और अगर वो रोजे की हालत में है तो दावत देने वाले के लिए दुआ करे, वइन काना मुफ्तिरन फलयतअम, और अगर बेरोजा है तो वो खाना खाए। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम की रिवायत सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1431 के अंदर है। इन तीनों रिवायतों से जो दलील पकड़ी जाती है दावत वलीमा के कबूल होने की, कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल करने का हुक्म दिया है और अम्र है, और अम्र वजूब पर दलालत करता है, आपका हुक्म इस बात पर दलालत करता है कि वो चीज क्या है, वाजिब है। चौथी दलील हस्ते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्रु तामि तामुली वलीमा यमनाउहा मन यातीहा व युदा इलैहा मन याबाहा व मन लम युजिब अद्दावा फकद असखल्लाहा व रसूला। ये रिवायत जो रिवायत गालिबन सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 1432, अल्लाह के रसूल की हदीस शरह करने का वक्त नहीं है,
अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे खाना उस सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है कि उस वलीमे के खाने में शरीक होने वाले गरबा मसाकिन फकरा जो आना चाहते हैं उन्हें रोका जाए। बाबा 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 तेरी दावत नहीं है, और जो नहीं आना चाहते उन्हें बुलाया जाए। आजकल यही पाया जाता है अक्सर जगहों पर, सबसे बदबख्त खाना बुरा खाना वो उस वलीमे का खाना है जिसमें एमपी साहब को, एमएलए साहब को, प्रधान जी को, सेठ साहब को, बड़े बड़े उलमा को और मालदारों को बुला लिया जाए, बुलाया जाए बार बार, आओ भाई नहीं आ रहे तो जाकर के उनका इसरार किया जाए, इल्हा किया जाए। और बेचारे गरीब मिस्कीन फकीर तंगदस्त जो गोश्त की खुशबू नाक में जाते ही बेचारे परेशान हो जाते, वो खुद आना चाहते हैं मगर बुलाए तो उनको ना ना चल 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 उधर चल, ए बाहर निकाले, ए मीवा चल भाग वहां भाग। ये सबसे बुरा खाना। अल्लाह के रसूल ने उस वलीमे की मजम्मत फरमाई है जिस वलीमे के अंदर गरीबों को भुला दिया जाए, फकीरों को फरामोश कर दिया जाए, नादारों की तरफ निगाह ना उठाई जाए, उन्हें दावत ना दी जाए, और खाली मालदार वीआईपी लोगों को जो न दीन में वीआईपी हैं, न नेकी में वीआईपी हैं, न तकवा और तहारत में भी वीआईपी हैं, और गरीब वीआईपी है तकवा में, तहारत में और दिगर उमूर में। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दावत कबूल ना करे उसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। ये दलील है, जो दावत कबूल ना करे उसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। ये मजम्मत है कि गोया दावत कबूल करना ये वाजिब है, ना कबूल करना ये अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। और नाफरमानी उमूमन किसी वाजिब के छोड़ने ही पर नाफरमानी करने का इतलाक होता है, किसी मुस्तहब या सुन्नत अमल के छोड़ने पर नाफरमानी का इतलाक नहीं होता, नाफरमान नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो फर्ज और वाजिब अमल ना छोड़े। तो वलीमे मसला क्या हुआ इन सारी दलीलों से कि वलीमे की दावत कबूल करना फर्ज और वाजिब है और इसे कबूल करना चाहिए। वलीमे से जुड़ा हुआ एक और अहम तरीन मसला कि अगर किसी वलीमे में मुनकर चीज पाई जा रही है, हराम चीज का इर्तिकाब किया जा रहा है, किसी नाजायज काम किए जा, कोई नाजायज काम किया जाता है, तो क्या उस दावत में शिरकत करना जायज है? इस तरह समझिए कि ऐसा वलीमा जिसके अंदर मुनकर, गलत, गैर शरई, हराम, नाजायज, गुनाह के काम हो रहे हैं या होंगे हमें पता है, तो क्या ऐसी दावत में शिरकत जरूरी है? क्योंकि वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है। लेकिन ठीक है, जिसने वलीमे दिया वहां नाच है, गाना है, झांझ है, हाँ बेपर्दगियां हैं, जो मर्द और औरत का इख्तलात है, और दूसरी वाजह तौर पर खिलाफ शरीयत चीज मौजूद है, तो क्या हम ऐसे वलीमे में शरीक हों? बड़े गौर से मसला सुनिएगा। इस मसले में दो शक्ल है। सवाल क्या है कि कोई ऐसा दावत वलीमा जिसके अंदर मुनकर काम, हराम काम, नाजायज काम, गुनाह के, बड़े बड़े गुनाहों के काम हो रहे हैं और हमें दावत मिली, तो क्या हम ऐसे वलीमे में शरीक हों कि ना हों? इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला यह है कि जिसको दावत दी गई है अगर वो जानता है पहले से, जिसको वलीमे, ऐसे वलीमे की दावत दी गई है जो पहले से जानता है कि इस वलीमे में नाच है, कव्वाली है, झांझ है, ढोल और ताशा है, मर्दो जन का इख्तलात है, वगैरह वगैरह आराम और मुनकर काम है, तो ऐसे हालत में अगर पेशगी हमें खबर है यकीन के साथ, तो ऐसी दावत को कबूल करना वाजिब नहीं है, वजूब साकित हो जाएगा।
वो जो अब साकित हो जाएगा, ऐसी दावत वलीमा जिसके बारे में हम यकीन के साथ जानते कि वहां खिलाफ शरा मुनकर काम होंगे, तो ऐसे दावत वलीमा को कबूल करना वाजिब नहीं है, बिल्कुल उसके ऊपर फर्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, अगर वो जा रहा है और वो जानता है कि इस मुनकर चीज को हम मिटा ले जाएंगे, उस पर इनकार कर ले जाएंगे, नकीर कर ले जाएंगे, बिरक लगाएंगे, बिरक लगाने की कोशिश कर ले जाएंगे, तब जाए। वरना अगर वो जानता है कि इस मुनकर को हम मिटा नहीं पाएंगे, इस मुनकर के काम से हम रोक नहीं पाएंगे, तो उसमें हाजिरी भी जायज नहीं। वलीमे की दावत मिली शेठ साहब के बच्चे की मौलवी साहब को, बेचारा मौलवी तो बिगड़े माहौल में ना अहल समाज के अंदर एक बेचारा तकवा शार दीनदार साहिब इल्म फदल मौलवी बेचारा वैसे ही रहता है जैसे बेरहम कसाई के सामने बकरा बंधा हुआ होता है वलीमा में। मौली साहब वलीमे में नहीं गए तो बड़े मसाइल हो जाएंगे, और मौलवी साहब अगर बेचारे तावनो अलल बिर व तकवा भलाई के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे का ताउन करो, चले गए निकाह पढ़ाने और उस निकाह में बारात है जहेज है, तो दूसरा मौलवी ही छीटा कशी करेगा। ओ मौलवियों का ऐसे शादी में निकाह पढ़ाने के लिए जायज जाना कैसा है, जबकि निकाह पढ़ाना भलाई का और खैर के काम में, जायज काम में ताउन है। खैर यह मसला बाद में किसी मौके पर मैं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुपों में एक फितना छेड़ा गया है। वही है मिसाल कि गूदा लूटा जाए, छिलके पर फौज लगा दो छिलके, कोयला सोना लूटा जाए, कोई फौज नहीं लगा जा रही है सोने की हिफाजत के लिए, और कोयले की रखवाली के लिए पूरी फौज लगा दो। है कुछ लोगों का मिजाज होता है छिलके पर ज्यादा निगाह है और गूदे पर कोई निगाह ही नहीं। तो मौलवी साहब की दावत हुई हाँ, और वलीमे में गाना है, नाच है, मर्दों औरतों का इख्तलात मेल जोल है, बेपर्दगी है, तो क्या मौलवी साहब जाएं कि ना जाएं? अगर उनको इस बात का यकीन है कि वो जाएंगे और वहां नकीर करेंगे, उस मुनकर की तरदीद करेंगे, लोगों को बतलाएंगे, आगाह करेंगे कि भाई ये गलत काम है, ये हराम काम है, ये नाजायज काम, तो मौलवी साहब जाए और उन्हें अल्लाह तौफीक दे। लेकिन अगर मौलवी साहब कहते हैं कि जाऊंगा तो गला ही दबा दिया जाएगा, किसी केस में फंसा दिया जाएगा, झूठी तोहमतें हमारे ऊपर लगाई जाएंगी हाँ, तब ऐसी सूरत में उस मुनकर के मिटाने की ताकत नहीं, तो नहीं हाजिर होना चाहिए। ये सारे फुकहाए कराम का, अइमे अरबा का इस मसले पर इत्तेफाक है और इजमा है। क्या? कि अगर किसी दावत वलीमा में मुनकर काम है तो उस दावत का कबूल करना वाजिब नहीं है, और अगर कोई मिटाने की ताकत नहीं रखता है, उस पर नकीर करने की ताकत नहीं रखता है, तो कोई चकमा दे दे सेठ साहब को तौलिया के तौर पर, और ऐसी ऐसे वलीमे में शरीक ना हो, इस पर इजमा है, ऐसी दावत का कबूल करना कतान वाजिब नहीं है। सुनिए एक दलील। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सनातु तआमन फदअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजा फदखला फदखला फरा सितरम फीह तसावीरु فخرج وقال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تصاوير। ये रिवायत सही रिवायत है और इसकी सनद क्या है, सही है, ये रिवायत सही रिवायत है, इसकी सनद सही है। सही सुनन नसई के अंदर अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है। दलील तर्जमा के हस्ते अली कहते हैं कि मैंने खाना बनाया तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली, अल्लाह के रसूल तशरीफ भी लाए, जब दाखिल हुए तो उन्होंने एक पर्दे में तस्वीरें देखी, फोटोज देखा, तो अल्लाह के रसूल उल्टे लौट गए और कहा सुनो
जिस घर में तस्वीरें होती हैं उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। यहां दलील यह है कि घर में एक मुनकर चीज गैर शुऊरी तौर पर जिसे हजरत अली नहीं जानते थे, तस्वीरों वाला पर्दा लगा हुआ था जो मुनकर है, हराम और नाजायज है, अल्लाह के रसूल ने देखते ही पलटी खा ली, पलट आए और फौरन इनकार किया कि सुनो जिस घर में तस्वीरें होती हैं उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। हस्ते खालिद बिन साद अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अन्ना रजुलन सुनिअ लहु तआमन फदा सना लहु तआमन फदा कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन मसूद के लिए खाना बनाया और उन्हें दावत दी, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा दावत कबूल करने से क्या घर में तस्वीरें तो नहीं है, तो उसने कहा हाँ, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने आने से इनकार कर दिया कि मैं घर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होगा जब तक कि तस्वीरों को तोड़ फोड़ न डालूं। जब तोड़ फोड़ दिया गया तब हंसते अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उस घर के अंदर दाखिल हुए थे। तक्वा, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और ये रिवायत भी अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस अथर की सनद को फतहुल बारी के अंदर जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 158 के अंदर सही करार दिया। तीसरी बात, उस वलीमे में शिरकत करना जिसमें मुनकर और हराम काम, निकाह पढ़ाना ये हराम काम नहीं है। अब निकाह पढ़ाना तो एक ताउन है और एक जरूरी अमर है, वरना अरु घरु नथु घरु आकर के निकाह पढ़ाएंगे वगैरह, ये दीन को बदनाम करने वाली चीज है और मुसलमानों के लिए गुनाहों के दरवाजे खोलना है। चौथी चीज, क्योंकि कोई आदमी ऐसे वलीमे में गया जहां मुनकर और गलत काम है, तो जाहिर सी बात है बिना जरूरत उस मुनकर और हराम काम को देखेगा, इस वजह से उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो हाजिर हुआ ऐसे वलीमे में जिसमें मुनकर काम है और पहले से उसे इल्म नहीं था, दावत कबूल करने वाले ने कबूल कर लिया और पहले से उसे इल्म नहीं था कि उस वलीमे में मुनकर और हराम काम है, तब ऐसी सूरत में क्या होगा, तो वो दावत को कबूल कर ले। आपको किसी ने दावत दी, अपनी मालूमात से आपको पता चला कि इस वलीमे में कोई मुनकर हराम नाजायज काम नहीं है, नाच गाना वगैरह, इख्तलात वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप कबूल कर लीजिए। कबूल करने के बाद जब आप आए वलीमा में, तो आपने बिना पहले से मौजूद इल्म के आपने वहां मुनकर काम देखा, लगा है टाइप रिकॉर्डर, नाच रहे हैं लोग, मर्द और औरत एक साथ खा रहे हैं, एक ही रास्ता एक ही गेट है आना जाना बेपर्दगी के साथ, तब क्या करें, उन्हें रोके, उन्हें फौरन हिकमत अमली से रोके। अगर वो लोग ना रुके इस मुनकर काम से तो कतान वहां ना बैठे, फौरन वहां से निकल जाए। यही जुमहूर मालिकिया शाफिया और हनाबिला का कौल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ। अगर तुम ऐसे लोगों के पास हो जो लोग मेरी आयतों के बारे में बेजा गुफ्तु सुनीद करते हैं, चीमी गोई करते हैं, तो आप उनसे एराज कर ले यहां तक कि उस गुफ्तगु के सिलसिले को वो काट दे, किसी कोई दूसरी बात कह ले। हाँ, फला तकवद मा बाद ज़िक्र मा अल-क़ौमि ज़ालिमीन, जिक्र और नसीहत के बाद जालिम कौमों के साथ तुम न बैठो। इस आयत करीमा से ये मसला साबित होता है कि कोई भी मजलिस, चाहे वलीमे की दावत हो या कोई भी दावत हो या कोई भी मजलिस हो, जहां मुनकर चीज है तो हम उस मुनकर को मिटाने की कोशिश करेंगे, अगर वो रुक गए तो ठीक वरना लौट करके चले आएंगे, वापस चले आएंगे। हस्ते खालिद बिन साद हस्ते अब्दुल्लाह बिन मसूद से जैसा कि बयान किया मैंने कि घर में तस्वीर देखी और कहा कि हम उस वक्त नहीं घर के अंदर जाएंगे जब तक कि तुम तस्वीर तोड़ नहीं दोगे,
और अल्लाह के रसूल आकर हज़रत अली की दावत पर आए और देखा उस समय तस्वीर तो लौट पड़े, उस पर इनकार किया, नकीर किया, अल्लाह के रसूल ने उसकी तर्दीद की। तो ऐसी दावत जिसमें कोई हराम नाजायज मुनकर अमल है और पहले से इल्म है कि इस दावत की महफिल में मुनकर का अमल है तो उसमें उसकी दावत कबूल करना वाजिब नहीं है, और अगर बिना इल्म के कबूल कर लिया, वहां गया देखा तो उसकी नकीर करेगा, इनकार करेगा, तर्दीद करेगा हिकमत अमली से, अगर लोग बाज आ गए तो ठीक, वरना फिर वहां से वो आदमी निकल जाएगा, निकल आएगा। मगरिब की अजान हो रही है, एक मसला और जान लीजिए। जैसा कि मैंने बतलाया कि वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है, लेकिन आपको वलीमे की दावत मिली और आप बहुत दूर पर हैं, यूपी में बलरामपुर में वलीमे की दावत मिली, आप सऊदीया में हैं, बम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, हाजिरी मुश्किल है, मशक्कत का सामान है, परेशानी है, तब भी आपके ऊपर दावत कबूल करना वाजिब है? बस मौका वलीमा से आप बहुत दूर हैं तो क्या ऐसी दावत है वलीमा कबूल करना वाजिब है? नहीं। अगर ये मुश्किल है कि जहां वलीमे की दावत दी गई है उसमें और आपके दरमियान में दूरी है, ना हल करने वाली ना तय करने वाली दूरी है, मुश्किल तरीन है, तब दावत वलीमा कबूल करना वाजिब नहीं है। यही राय है अल्लामा इब्ने बाज और अल्लामा इब्ने उसैमीन और मालिकिया वगैरह का, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वान ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी आदमी को उतने ही अमल का पाबंद किया है जितना वो अच्छी तरीके से बजा आवरी की ताकत रखता है। एक और वलीमे से लगा हुआ एक सवाल, वो ये कि अगर किसी काफिर ने अपने वलीमे की दावत दी, काफिर ने अपने वलीमे की दावत दी तो क्या काफिर के वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है? तो इस सिलसिले में है, काफिर के वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब नहीं है। ये मालिकिया, शाफिया और हनाबिला जमहूर का यही मजहब है, काफिर के वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब, मैं कह रहा हूं वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर पांच हक है, सलाम का जवाब देना, मरीज का हाल चाल लेना, जनाजे के पीछे जाना, दावत को कबूल करना, छींकने वाले का जवाब देना। तो इस हदीस में हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, ये दावत जो कबूल करना ये मुसलमान का हक है, ये किसी काफिर का हक नहीं है। और अगर उसके वलीमे में भी कोई मुनकर काम नहीं है, हराम काम नहीं है और देवी देवताओं के नाम वो नजराना नहीं है तो जाकर के खाना जायज है लेकिन वाजिब नहीं है। दूसरी बात, वलीमा से मुराद ये वलीमा के अंदर एक इज्जत अफजाई है, जिसके वलीमे में आप शरीक हो रहे हैं उसकी इज्जत कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत को बढ़ा रहे हैं, उससे आप दोस्ती और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और काफिर की इज्जत नहीं बढ़ाई जाएगी, उससे उसकी उसका इकराम और एहतराम में इस तरह इजाफा नहीं किया जाएगा, मुआलात उसके साथ नहीं होंगे। तो ये काफिर के दावत का वलीमा कबूल करना वाजिब नहीं है। एक वलीमे से जुड़ा हुआ मसला, दो तीन मसले में खत्म कर देता हूं वरना फिर किसी फेसबुक के दस में लूंगा। एक आखिरी मसला, मगरिब की अजान हो गई है, वो ये है कि उस वलीमे में हाजिरी देने का हुक्म क्या है जिसके अक्सर लोग, जिसका अक्सर माल हलाल ना हो। आपको वलीमे में दावत दी गई और आप शक व शुबहा की बुनियाद पर नहीं, बाकायदा सबूत के बुनियाद पर, यकीन के बुनियाद पर जानते हैं कि इस वलीमे की दावत देने वाले का अक्सर माल, पूरा नहीं, अक्सर माल हराम है,
नाजायज है, हराम तरीके से इसने कमाया है, तो क्या ऐसे मुसलमान के दावत वलीमा को कबूल करना वाजिब है जिसकी अक्सर कमाई या जो वलीमे में खर्च करेगा वो अक्सर हराम और नाजायज है? तो इस सिलसिले में उलमाए किराम की राय और फतवा ये है कि ऐसी दावत वलीमा को कबूल करना वाजिब नहीं है जिसमें दावत देने वाले की अक्सर कमाई हलाल ना हो, हराम हो। जुमहूर का यही मजहब है, हनफिया का, मालिकिया का, शाफिया का और एक कौल हनाबिला का भी है, जुमहूर का यही राय है, क्योंकि ये चीज इसके अंदर एक चीज है कि उसने हराम जरिए से माल को कमाया है और बुराई पर किसी की मदद नहीं की जाएगी। तो अगर किसी ने अपने वलीमे में हराम माल से इंतजाम किया है तो उसकी दावत को कबूल करना वाजिब नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा बाकायदा उसे समझाया जाए। और अगर मामला ऐसा है कि सारे लोग नहीं शरीक होंगे ये बतला के कि इसलिए नहीं कि तुम्हारी अक्सर कमाई हराम है और इससे ये हो कि वो बाज आएगा उस पर एक असर होगा, तो बिल्कुल उसे रद्द कर देना चाहिए। ये हुई बात मेरे भाइयों और साथियों, और बाकी बातें वलीमा के ताल्लुक से इंशाल्लाह अज़ीज़ फेसबुक के दरसों में 4-5 मसले रह गए हैं, मैं बयान कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम लोगों को हलाल कमाई से नबवी रहनुमाई के मुताबिक इखलास के साथ वलीमा करने, दूसरों के वलीमा में हाजिरी देने और दूसरों के वलीमा में ताउन करने की तौफीक अता फरमाए, कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाह।